धारावाहिक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आपको स्वागत जनाऊु मुरेवरेन अभिराम सिंह और मो सहित प्रभुंकर दास रंजन विश्वास प्रत्येक श्रोता बंधु मानक प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार जनाऊु यही दिन मानक रोमियो मंडली को प्रेरित पाउलों पत्र अध्ययन करसुचु मु विश्वास करे ये अध्ययन आपण मानक जीवन में अनेक आशीर्वाद आनीदी एवं आत्मिक जीवन अभिवृद्धि में सहायक होगाक पारे जदि आप प्रथम थर ये कार्यक्रम को देखुं दयाक सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ और निकट में सेयार करूँ जपर अधिक अधिक लोक मैंने कार्यक्रम को देखिए ईश्वर वाक्य को शुणे और प्रभुं आड़ को आकृष्ट हे आपण मैंने आज अध्ययन कार्यक्रम जे प्रभु आपन को कथा कहिबे एवं आशीर्वाद पाइबे आउ माने आशा करूचु जे आपन मान निश्चित भावे प्रभुंकर वाक्य को ध्यान सहित शुणे आसंतु आज ध्यान निमन्ते आमने रोमियो तार दुई अध्याय एकुश रु अणतीश पर्यंत आमने पाठ करिबा रोमियो दुई अध्याय एकुश पद रु अणतीश पद पर्यंत तेबे परकु शिक्षा देउअछ जे तुम्भे कौन आपणा को शिक्षा देउनाह चोरी करना ही बोली प्रचार करी तुम्भे कि चोरी करूअछ व्यभिचार करना ही बोली कही तुम्भे कि व्यभिचार करूअछ प्रतिमा घृणा करूअछ जे तुम्भे कौन मंदिर लुंठन करूअछ व्यवस्था गर्व करूअछ जे तुम्भे व्यवस्था लंघन द्वारा तुम्भे कि ईश्वर को अनादर करूनाह कारण जेपरि लेखा अछि तुमानंक हेतु विजाति मानक मध्यरे ईश्वर नाम निंदित होउअछि जदि तुम्भे व्यवस्था पालन कर तबे प्रकृतरे सुनत लाभजनक किंतु जदि व्यवस्था लंघन कर तबे तुम्भर सुनत असुनतरे परिणत हुए अतएव जदि असुनति लोक व्यवस्थार विधि विधान पालन करे तबे ताहार असुनत कण सुनत बोली गणित हेब नाही पुणी स्वाभाविक असुनति लोक जदि व्यवस्था पालन करे तबे लिखित व्यवस्था और सुनत विधि प्राप्त हो सुधा व्यवस्था लंघन करूअछ जे तुम्भे से तुम्भर विचार करिबे कारण बाहर जे जिहुदी से जिहुदी नुहे केवल बाहर शरीर में जे सुनत ताहा सुनत नुहे किंतु अंतर रे जे जिहुदी से जिहुदी पुणी आक्षरिक भाव नुहे मात्र आत्मिक भाव हृदय जे सुनत ताहा प्रकृत सुनत एपरि लोक मनुष्य मानक ठारु प्रशंसा प्राप्त हुए नाही किंतु ईश्वर ठारु प्राप्त हुए आसु आमे प्रार्थना करिबा प्रेमी स्वर्गवासी पिता आमे धन्यवाद दउछु प्रभु तुमर वाक्य निमन्ते जहाँ जीवंत एवं कार्य साधक जो माने प्रभु परित्राण पाती से निमन्ते प्रभु यह शक्तियुक्त अटे किंतु विनाशप्राप्त लोक मानक निमन्ते प्रभु यह लज्जाजनक विषय प्रभु आम धन्यवाद दौचु प्रभु जे आमानक परी लोक मानक तुम्हें निजर परिचय दे तुम से स्वर्गीय आह्वान से आम को आह्वान कर स्वर्गीय ईश्वर को जाणी जो ईश्वर की आज जीवित एवं सत्य अटंती जानवापी सुजोग दे आउ जेते लोक प्रभु ये वाक्य शुणे से माने सत्य एवं जीवंत ईश्वर को से माने जानिबा को पारिबे आ जेते से माने ईश्वर को जानिबे से माने परित्राण पाइबे प्रभु को आमे प्रार्थना करूछु आज ये बाइबल अध्ययन रे प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर एवं तुम्हें कथा कह आ प्रत्येक अंतर को तुम्हें प्रभु सजाड़ी दियो जेपरी प्रत्येक लोक प्रभु आ प्रत्येक हृदय प्रभु जेपरी से माने तुम आड़ को प्रभु आकृष्ट हेबे एवं तुमको जानिबापी आग्रह प्रकाश करिबे एवं तो कृपा कर सब महिमा गौरव प्रशंसा तुमको दे जीशुं नाम मागिलु आमेन आमेन। एठारे पाउल समस्त को चेतावनी देउछन्ति प्रथमे आम देखिलु जे से विजाति मानंकु आउ चेतावनी देले कारण से माने सत्य ईश्वर उपासना न करी हस्तकृत प्रतिमा सब को से माने प्रणाम कले आउ से मानकर आराधना कले तापरे से नैतिकवादी मानंकु मध्य आउ से चेतावनी दे कारण से माने निजर धर्मकर्म उपरे निर्भरशील हेले एवं ईश्वरंकर धार्मिकता को से प्रत्याख्यान कले वर्तमान जो अंशटी आम पाठ कलु से अंशटी से जिहुदी मानंकु आउ से चेतावनी दउछन्ति कारण से माने सत्य ईश्वर को जानिले सुधा से मानक हस्तरे मोसांकर दत्त व्यवस्था थिले सुधा आउ से माने आउ बाहिक रीतिनीति को से माने श्रेयस्कर मणिले एवं सत्य ईश्वर को से माने समादर कले नाही आज पठित अंश रे पाउल समस्त को चेतावनी दिंती कहती जे तुमने कहारी विचार कर ना डू नॉट जज अदर्स
କାହାରି ବିଚାର କର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଜାଣିନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଏଭଳି ଯେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆମମାନେ ଆଗଭର ହଉ, ଆତୁର ଭାବରେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଦେଖୁ, ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟିକୁ ଦେଖୁ। କାରଣ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଯେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଆମମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା, ଆଉ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଆମମାନେ ଆଉ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିଥାଉ ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଦୋଷକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ବା ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟିକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଗଭର ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମମାନେ କହିଦେଇଥାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ବିଚାର କରିଥାଉ ଆମମାନେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ଯେ ରହିଛି, ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେ ଭୁଲ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ନଜରରେ ଆଉ ଆସେ ନାହିଁ। ହିତୋପଦେଶ 21 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଗତି ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ହୃଦୟକୁ ତୋଲନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୁଏତ ତା'ର ସମସ୍ତ ଚାଲିଚଳନ ସ୍ୱଭାବ ହୁଏତ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଗୁଥିବ, ଯଥାର୍ଥ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ବାଦ ଦେଇଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟକୁ ସେ ତୋଲନ୍ତି। ମାଥ୍ୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 1-5 ପଦରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଚାରିତ ନ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କର ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ବିଚାରରେ ବିଚାର କର ସେହି ବିଚାରରେ ତୁମମାନେ ବିଚାରିତ ହେବ, ପୁଣି ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର ସେହି ମାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମପାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ଆଖିରେ ଥିବା କୁଟାଟିକକୁ ଦେଖୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କଡ଼ିକାଠ ଅଛି ତାହା ଭାବି ଦେଖୁନାହଁ? ଅଥବା ତୁମ୍ଭେ କିପରି ଆପଣା ଭାଇକି କହିବା, ଆସ ତୁମ୍ଭ ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକକ ବାହାର କରିଦିଏ, ଆଉ ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ଆଖିରେ କଡ଼ିକାଠ ଅଛି, ରେ କପଟି ଆଗେ ଆପଣ ଆଖିରୁ କଡ଼ିକାଠ ବାହାର କରି ପକାଅ, ତାପରେ ନିଜ ଭାଇର ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକକ ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବ। କେତେ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ କପଟି ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ତ କଡ଼ିକାଠ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ କୁଟାଟିକକ ପଡ଼ିଛି ବୋଲିକି ସେମାନେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ରହିଛି, ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲନ୍ତି। ସେଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କପଟି ବୋଲିକି, ଦେ ଆର୍ ହିପୋକ୍ରାଇଟ୍। ରୋମିଓ ତା'ର 14 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇର ବିଚାର କରୁଅଛ, କିମ୍ବା ତୁମେ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ? ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରସନ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ନିଜଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବିଚାର କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ବା ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଚିତ ବୋଲି ମଣିନଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ସେମାନେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇର ବିଚାର କରୁଅଛ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ବିଚାର କରୁଛ ସେ ତୁମର ନିଜ ରକ୍ତର ଭାଇ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତୁମର ନିଜର ରିଲେଟିଭ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ନିଜର ପରିଚିତ କେହି ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ତୁମେ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ, କାହିଁକି ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ? କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମମାନେ ଭୁଲି ଯାଉ, ସେଇ
आउ फैक्ट होउची से कारण होउची जे आमे समस्ते ईश्वरंकर विचार सिंहासन सम्मुखरे ठिया हबा माने मु एवं मु जहाँ को विचार करूची से समस्ते आमे से विचार सन सिंहासन छामुरे आमे ठिया हबा ईश्वर समस्तंकर विचार करिवे मोर मत विचार करिवे एवं मु जहाँ जो मानक विचार करूची से मानक मध्य विचार करिवे जदियो दुई अध्याय रो एक पदरे आउ प्रेरित पाउल से समस्त को कहते लेखा अच्छे अतएव हे मनुष्य विचार करू था जे तुम्हें तुम्हें जे के ही हुआ उत्तर देवार बाट ना जे के ही हुआ ना कहीं ये कौन सी कैटेगरी लोक मान प्रेरित पाउल संबोधन करूना प्रेरित पाउल गोटे कैटेगरी लोक मान छाड़ूना किंतु से कहते तुम्हें जे के ही हुआ ना कहीं उच्च पदवीर लोक हुओ ना कहीं बा नीच स्थल लोक हुओ ना कहीं धनी हुओ बा दरिद्र हुओ शिक्षित बा अशिक्षित हुओ कौनसी जाए आसे ना कि जाए आसे ना कारण तुम मानकर उत्तर देवार बाट ना यू हाव नो एक्सक्यूज उत्तर देवार बाट ना देखा कारण जो विषय तुम्हें अन्नर विचार करू था से विषय तुम्हें आपणा को दोषी करू था जेणु विचार करू था जे तुम्हें तुम्हें निजे से ही प्रकार कर्म करू था पाउल ए पदरे समस्त को लक्ष्य कर से कहते किंतु सतर पदरे से केवल जिहुदी मान इंगित करे से प्रथम विजाति मानूर नैतिकवादी मानू निज दृष्टि जो मैंने धार्मिक से मानू पुणी बर्तमान आसिले जिहुदी मानू आंगित कर देशर अन्यान्य जातिर लोक मानक अपेक्षा जेहूदी माने निजकु अधिक धार्मिक बोली मने करूथले आउ से माने एथिपाई से माने भावुथले जे से माने अति धार्मिक बोली कि एथिपाई से माने गर्व करूथले कारण से मानकर इतिहास जदि आपण देखिबे आउ इतिहास रे देखिबे जे पुरातन नियम रे माने देखौछु सारा विश्वर लोक माने जतले प्रतिमा पूजा रे व्यस्त अछन्ते आउ सेतेबेले परमेश्वर अब्राहम को जे मध्य प्रतिमा पूजक थिले आउ से अब्राहम को से आह्वान करुछन्ते आउ अब्राहम को ठारु से गोटे जाति निर्माण करिवार गोटे दर्शन देले से जो जाति को से सुन्नत विधि द्वारा से पृथक कले आउ जो जाति निमन्ते से गोटे प्रतिज्ञा कले जे आम्भे आउ से मानंकर ईश्वर हेबा से माने आम्भर लोक हेबे से मानंकु मनोनीत कले एथिपई जेपरिक से जाति सारा विश्वर लोक मानंक निमन्ते गोटे उदाहरण सृष्टि करिवे जे से माने ईश्वरंकु जानिछंती एवं से मानंक देई परमेश्वर अन्य जाति मानंकु आशीर्वाद करिवे आउ से मानंकु से निजर परिचय देले सत्य ईश्वरंकर परिचय प्रथमे एब्रियो लोक माने जिहुती लोक माने आउ से माने पांती कारण से मानकु मनोनीत कले आदि पुस्तक तार बार अध्याय एक रु तीन पदरे आउ देखिबे जे अब्राहम सहित परमेश्वर गोटे नियम स्थिर करुछन्ते जदि यात्रा पुस्तक को आसीबा 20 अध्याय एक रु 17 पदरे मोसांक द्वारा इस्राएल लोक मानकु गोटे व्यवस्था दौछन्ते गोटे कॉन्स्टिट्यूशन से दौछन्ते गोटे नियम दौछन्ते जो नियम गुडीकु से माने पालन करिवे जो नियम गुडीक अन्य जाति मानकर निकटरे आउ विरल थिला से भली विरल थिला से भली नथिला तबे एई सबु पाई थिबारु से माने सत्य ईश्वर को जानिछन्ते सत्य ईश्वर से मानक निकट निजर परिचय देइछन्ते आउ सेई सत्य जीवंत ईश्वर से मानकु निजर व्यवस्था देइछन्ते धर्मशास्त्र देइछन्ते सेथिने मन्ते से माने अन्य मानकु ईश्वर विहीन व्यवस्था विहीन बोली मने करूथले आउ जेहेतु अन्य माने प्रतिमा पूजा करुछन्ते आउ से माने सत्य ईश्वर को जानिछन्ते सेथिने मन्ते से माने निजकु गर्व अनुभव करुथले एवं अन्य मानकु मध्य तुच्छ मणुथले किंतु पाउल एठारे से मानकु कहुछन्ते जे तुमने जिहुदी हेले मध्य ईश्वर को जानिथले मध्य व्यवस्था पाइथले मध्य जदि व्यवस्था को जदि तुमे लंघन करुअछ ईश्वर को समादर करुना तुमर मध्य उत्तर देवार बाट नाही कारण तुमने मध्य विचारित हब अन्य माने जे भली विचारित हेबे तुमने मध्य से ही भली विचारित हब आ प्रथमे विचारित हब कारण एठी बारंबार प्रेरित पाउल आउ सेई कथा कहउछन्ती प्रथमरे जिहुदी आउ ग्रीक मध्य दुई अध्याय रे
आउ से बारंबार एक कथा कहते जे प्रथम जेहूदी माने तापरे ग्रीक माने दस पदरे मात्र प्रथम जेहूदी तापरे ग्रीक पुणी एगार पदरे कारण ईश्वर निकटने मुखापेक्षा ना से प्रथम जेहूदी मान प्रथम से लोक मानकर विचार करेंगे जो मैंने ईश्वर को जानते जो मैंने ईश्वर धर्मशास्त्र को पाठ करो मैंने व्यवस्था को आउ से जानते से मानक प्रथम विचार करेंगे अन्य मानक निकट को जी अन्य विचार हम समस्ते विचारित हे कहीं छड़ा जीवे ना कारण समस्ते पाप करश्वर गौरव रहित हो तेब ईश्वर विचार जे न्यायसंगत विचार आउ से कथा ये प्रेरित पाउल आउ से प्रमाण करने को चाहते कारण से जे केवल मनुष्यर कर्म अनुसार विचार करेंगे ता नुह मात्र से मानकर मनर अभिप्राय अनुसार विचार करेंगे उपदेशक बार अध्याय चौदह पद लेखा अच्छी जेहेतु परमेश्वर प्रत्येक कर्म पुणी भल कि मंद प्रत्येक गुप्त विषय विचार आणवे जो कर्म गुड़िक प्रकाश पाए एवं जो विचार मनुष्यर भितर अच्छी ता प्रकाशित होना मनुष्यर हृदय मर्म अनुमातर अनुपात ईश्वर विचार करेंगे प्रकाशित दुई अध्याय तेईस पदरे जीशु कहिले सेथिरे आंभे जे मर्म और हृदय परीक्षक पुणी तुमानंकर प्रत्येक जन को आपणा आपणा कर्मानुसार फलदाता यह मंडलीगण जानिबे प्रिय बंधुगण ईश्वरंकर विचार न्यायसंगत एथिपाई जे से केवल कर्म अनुसार से विचार करते ना किंतु मर्म अनुसार विचार करते जड़े लोकर हृदय मन भितर से कौ अभिप्राय नहीं कि ये कार्य करुच्ची ईश्वर ताकू जानती से निम्ते से न्यायवान अटंती विचार मध्य न्याय्य अटे किंतु जेहूदी माने भावुले जे ईश्वर से मानकर पाप को गणना करिवे नहीं कारण से माने ईश्वर मनोनीत वंश आउ से निम्ते आउ से भावुले जे ईश्वर हुए तो से मानकर पाप को गणना करिवे नहीं आ तेणु अनुतापर मध्य आयत प्रयोजन मन करू नश्वर अनुग्रह को दीर्घ सहिष्णुता को सहनशील गुण को से मैंने हालुका भाव आने कृतज्ञ हृदय ही ईश्वर निकट को अनुताप हृदय नहीं कि से मैंने फेरिले ना जो मैंने से मानकर पाप निमंत अनुताप करती ना से ईश्वर को पाती ना बर ईश्वर क्रोधर पात्र हमें तबे अनुतापर अर्थ कौन कि भली जने लोक अनुताप करिपारे अनुतापर अर्थ होउची जे जने लोक जतेबेले से पापर बोध पाए जे से जाने जे हाँ मु पाप करिछि ताकू से अंगीकार करे ताकू स्वीकार करे पुणी द्वितीय रे से पाप को से परित्याग करे पाप को हुए तो अनेक लोक जानते जे हाँ मु भूल करिछि भाई किंतु से माने जस्टिफाई करंती सफाई दियंती जे कौन मु एकला करिछि कि समस्त ए प्रकार भूल करुछंती मो भली अनेक लोक अच्छा इनफैक्ट मोठारू आउ बड़ बड़ पाप करुंट तो मोर आवश्यक ना अनुताप करने निम्ते जदि आपण से भावुंजे आपणकर पाप छोट से मानकर पाप बड़ हुए तो आपण दृष्टि हुए तो से छोट पाप हो पारे किंतु केते थर से छोट छोट पाप सब करते परिमाण में ता जमा हो रही हुए तो आप हिसाब रखी ना कि प्रभु से हिसाब गुड़िक रही पाप छोट बा बड़ हुए ना पाप पाप ही हुए मनुष्य ताको कैटेगराइज करी क्लासिफाई कर देटा छोट पाप से बड़ पाप किंतु ईश्वर दृष्टि रे समस्त पाप गोटे कैटेगरी गोटे कैटेगरी तबे जे पाप करी पापी बोली कहा पापर वेतन जे मृत्यु रोमियो तार छ अध्याय तेईस पद लेखा अच्छे पापर वेतन मृत्यु तबे जो माने पापर बोध पाती ताको स्वीकार करती एवं परित्याग करती मन फेरणर आवश्यक रही हितोपदेश अठाईस तेरह पदरे पवित्र धर्मशास्त्र लेखा अच्छे जे आपणा अधर्म आच्छादन करे से मंगल पाए ना मात्र जो लोक ताहा स्वीकार कर छाड़ से दया पाइब जे अधर्म को घोड़े दिए
ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବ ସେ ହିଁ ଦୟା ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତିନିର ନପଦରେ ପିତର କହିଲେ ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ପାପର ହିସାବ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ଦଣ୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଚାର ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ଆଉ ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ତା'ର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ ହୁଏତ ଆପଣ ମନ ଫେରଣ କରିବେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କାଳେ ହୁଏତ ସେମାନେ ମନ ଫେରଣ କରିକି ଫେରି ଆସିବେ ଆଉ ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହୁଏତ ପାପରେ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମନ ଫେରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଆପଣ, ଆଉ ମନ ଫେରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମନ ଫେରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଧା ନର୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ ଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। 21 ପଦରେ ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି ତେବେ ପରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହ, ୟୁ ଆର୍ ଟିଚିଂ ଅଦର୍ସ ବଟ୍ ନଟ୍ ଟିଚିଂ ଟୁ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଆପଣ ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲୁକ 6:46 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଅଛ ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଦେଇ ସିମ୍ସ ଟୁ ବି ମୋର୍ ରିଲିଜିୟସ୍, ଅନେକ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅନେକ ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ପାଳନ କରୁନାହ। ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉନାହ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତା'ର 3:18 ପଦରେ ଯୋହନ କହିଲେ ହେ ବତ୍ସଗଣ ଆସ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରେ କି ଜିଭାରେ ପ୍ରେମ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରୁ। ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରେମ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାହାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଣାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଜିଭାରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। 21 ପଦରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚୋରି କର ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରି ତୁମ୍ଭେ କି ଚୋରି କରୁଅଛ, ଚୋରି କର ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ନିୟମଟି ଆଜ୍ଞାଟି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯାତ୍ରା ତା'ର 20:15 ପଦରେ ଚୋରି କର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୋରି କରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଚୋରି କରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ସମୟକୁ ଆମେ ଚୋରି କରିନେଇଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟର କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଚୋରି କରିନେଇଛୁ, ଅନ୍ୟର କିଛି ଆଉ ଲେଖାକୁ ହୁଏତ ଆମେ ଚୋରି କରିନେଇଛୁ ଆମେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଛି ଚୋରି କରିବାରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଠକନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚୋରି କରି ନିଅନ୍ତି। ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଚୋରି କର ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରି ତୁମ୍ଭେ କି ଚୋରି କରୁଅଛ। ଏଫେସି 4:28 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଲେଖା ଅଛି ଚୋର ଆଉ ଚୋରି ନ କରୁ ବରଞ୍ଚ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ ଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ତାହା ପାଖରେ କିଛି ଥାଇପାରେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ନିଜ ହାତରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଚୋରି ନ କରନ୍ତୁ ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବ, କିଛି ବିଷୟ ରହିବ, ସେଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। 22 ପଦରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ
प्रेरित पाउल से पचारुंट व्यभिचार कर नाई बोली कही तुम्भे कि व्यभिचार करूछ। मनुष्य जिते अस्वीकार कले मनुष्य जहाँ चिंता कै ताए एवं आम चिंताधारा सबू आम जहाँ देखू शुणु और पढ़ु से आसी थाए अनेक विषय गुड़िक आने शिखा को पारु बागुड़ आम कार्य प्रकाशित हुए जो विषय गुड़ी आम चिंता करूँ केमती आम चिंता करूँ से चिंता आसे जहाँ सब आम पढ़ीचु जहाँ सबू आम देखीचु जो विषय गुड़ी आम शुणीचु से विषय गुड़ी आम चिंतार आम रिफ्लेक्ट करूँ आम आमकर चिंतार मनरे से गुड़ प्रोसेस हुए आज जो मनरे से गुड़ाक रिफ्लेक्ट हुए सेटा पुणी अटोमेटिकाली आम कार्य परिणत हुए आम जब जौन सम्बन्धी छवि देखू पुस्तक पढ़ू मैगजिन पढ़ू बागुड़ आम शुणु आम से सब कौन हुए ना आम चिंताधारा केन्द्रीभूत हुए आज जोगुड़ आम चिंतार केन्द्रीभूत हुए आम जीवन में पाप प्रवृत्ति जात हुए पाप करने को इच्छा हुए कारण से गुड़िक आम छवि देखीचु चित्र देखीचु बा मैगजिन पढ़ीचु से गुड़िक आम मन को कलुषित करे एवं आचरण से गुड़िक बाहरी आसे। जीशु पार्वती उपदेश माथ्यू तार पांच अध्याय सतैश रु अठाईस पदरे आसे कहिले तुमने शुणी अच्छ उक्त अच्छी व्यभिचार कर ना किंतु मु तुमको कहूँ जे कहीं कौन स्त्री प्रति काम भाव दृष्टिपात करे से ताहा संगरे मने मने व्यभिचार कला के गुरुतर विषय मनुष्य भावे जे हि वाज कट इन द एक्ट बोली कहुची जे रेड हैंडेड ताकू धरा जा से व्यभिचार करूला आते बड़े आम धरल जत तार मनरे गोटे जो चिंता थी व्यभिचार करने कार्य जो से परिणत करुच्ची से दोषी सब्यस्त हो मनुष्यर विचार से भाई किंतु ईश्वर से भाई विचार करती ना से कर्म एवं मर्म को परीक्षा करती कार्य परिणत कलापर से दोषी सब्यस्त हुए मनुष्य हिसाब से किंतु ईश्वर तुम दोषी सब्यस्त कर सारी जितेबले से मनरे से कुचिंता आणुला से निम्त जीशु कहले जे उक्त अच्छी व्यभिचार कर ना हाँ वाक्य लेखा अच्छे किंतु मु तुमको कहूँ जीशु एक कहते जे कौन से स्त्री प्रति जे कहीं काम भाव कामकतार से दृष्टिपात करे से ता सहित व्यभिचार कला मने मने से व्यभिचार कर सारी से पाउल द्वितीय तिमोथी दुई अध्याय बाईस पदरे तिमोथी को कहिले किंतु तुम्हे जौवन कालर अभिलाष रु पलायन करी जो माने सुचि हृदय प्रभु निकट में प्रार्थना करती से मानंक सहित धार्मिकता विश्वास प्रेम और शांतिर अनुगामी हुआ। प्रभु लोक मानक आज ये आह्वान दि जाऊँगी जौवन कालर अभिलाषर पलायन करने जो माने सुचि हृदय प्रभु निकट प्रार्थना करती से मानकर सहभागिता को आसबे जदि आपण जदि एकला जदि ये समस्त मंद कार्यर निजक निवृत्त करने चाहिए निज चेष्ट हुए तो पारे ना इट मान यू कार्य गुड़िक सो एडिक्टिव जे आपण को एते आसक्ति भरी दिए जे आपण को टाणी से निम्ते प्रथम पलायन करेंगे से ठार खसी पलैबे से प्रकार स्थान रु से प्रकार विषय वस्तु निजक पृथक करे एकला रे ना कि से मानकर सहभागिता मध्य को आसबे जो मानकर हृदय सूची जो माने प्रभु को आउ डाकंती जो माने प्रभु निकट प्रार्थना करती सूची हृदय जो माने प्रार्थना करती से मानकर सहित धार्मिकता रे विश्वास रे प्रेम रे एवं शांति रे से मानकर अनुगामी हेबे। बाईस पद को जत आसुचु बाईस पदर मध्य आउ गोटे प्रश्न प्रेरित पाउल पचारती प्रतिमा घृणा करूछ जे तुम्भे तुम्भे कौन मंदिर लुंठन करूछ ये जो लुंठन शब्द मूल भाषा ग्रीक भाषा रे आउ लेखा अच्छे हेरोसुलेओ बोलिकी आउ तार अर्थ होची मीनिंग टू वायोलेट वन्स कमिटमेंट टू गॉड एंड टू रब फ्रॉम गॉड माने ईश्वर प्रति से मानकर समर्पण रु से मानंकु पृथक करिबा बा ईश्वर ठारु से मानंकु विच्छिन्न करि आनिबा ताकु कुहा जाउची
माने मूल भाषा से तार अर्थ किंतु इटि प्रेरित पावल से कथा कहते जे तुम्हें तो प्रतिमा को घृणा करुच प्रतिमा पूजा करुणा हो किंतु मंदिर को लुंठन करुच कि भाई सत्य ईश्वर को तुम्हें उपासना करुच बोली भावुच से तुम्हें प्रतिमा घृणा करुच किंतु जहाँ ईश्वर से ईश्वर विषय गुड़ी आत्मसात करुच कहवापी गले पाउल हूँ तो कौन तुमको कौन लज्जा लगुनि जे तुम्हें ईश्वर को प्रेम करुच बोली कौच सत्य ईश्वर को जाच बोली कौच प्रतिमा पूजा करुणा किंतु जहाँ ईश्वर से सब कु तुम्हें चोरी करुच आत्मसात कर लगिच मलाखी तार तीन अध्याय आठ पदरे आ सदाप्रभु परमेश्वर कहते मनुष्य कि परमेश्वर द्रव्य चोरी कर तथापि तुम्हें मैंने आंभर द्रव्य चोरी करुअ मात्र तुम्हें मैंने कहुअ आम कि रूपे तुम्हार द्रव्य चोरी करुअु सदाप्रभु कहते नैवेद्य दशमांस नैवेद्य आम चोरी करुअु जहाँ ईश्वर पाइबार प्राप्य आम न था सेतेबेले आमने ईश्वरंकर द्रव्य को आमने चोरी करी थाव आमने ईश्वरंकर निकट को आनीथिबा नैवेद्यरु मध्य चोरी हो जाए जदि आपण पढ़िबे मलाखी तार एक अध्याय एवं दुई अध्याय कि भली भाव जीवदी माने मध्य आउ ईश्वरंक द्रव्य को चोरी करुथिले आमानंकु मध्य परमेश्वर आज एई वाक्य कहंती जे आमने कोन कोनसी भावरे ये अपराधरे आमने अंशी अच्छु कि नहीं परीक्षा करिवार आवश्यक रही तबे तेईस पद को आसवा तेईस पदरे आउ गोटे प्रश्न आम देखु व्यवस्था गर्व करूछ जे तुम्भे व्यवस्था लंघन द्वारा तुम्भे कि ईश्वर को अनादर करुना जिते ईश्वर वाक्य पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को नहीं आम गर्व करूँ किंतु से लेखा आज्ञा गुड़ी आम लंघन करूँ से ईश्वर नाम निंदित हुए चबीश पद लेखा कारण जेपर लेखा अच्छी तुम मान हेतु विजाति मानी ईश्वर नाम निंदित होकर कार्यकलाप हेतु ईश्वर निंदित हूँ मार्क सात अध्याय छपदे जीशु से कहले रे कपटी मानी जीसाए तुम विषय यथार्थ रूपे भाववाणी कही अच्छा जेपरी लेखा अच्छी जाति मुखरे आंभ को समादर करती किंतु से हृदय आंभ ठार दूर रे थाए तीतस एक अध्याय षोल पदरे प्रेरित पावल कहले से ईश्वर को जानते बोली स्वीकार करती किंतु से कर्म द्वारा ताहांकु अस्वीकार करती जाकुब तीन रस पदरे एक मुखर धन्यवाद और अभिशाप निर्गत हुए हे मोर भाई माने एपरी हेबा उचित नुहे केते गुरुतर विषय नुहे कि गोटे जीभ गोटे मुख किंतु उभय विषय से निर्गत होखर पुणी आम ईश्वर को धन्यवाद दौचु से मुखर पुणी आम अन्य अभिशाप दौचु किंतु बाइबल कहले बाइबल कहे गोटे विषय हबार आवश्यक रही हबार उचित नुहे आम कौन मुखरे समादर करुचु हृदय कौन आम ठार दूर अच्छा परीक्षा कर आवश्यक रही तेज जो छब्बीस पद को आसवा छब्बीस पद लेखा अतए जदि असुन्नति लोक व्यवस्थार विधि विधि विधान पालन कै तेब तहार असुन्नत कौन सुन्नत बोली गणित हम ना पाउल कहते पचीस पदरी जदि तुम्हें व्यवस्था पालन कर तेज प्रकृत में सुन्नत लाभजनक किंतु जदि व्यवस्था लंघन कर तेज तुम्हार सुन्नत असुन्नत परिणत हुए जीवदी मानी निजर सुन्नति करण को नहीं गर्व करुले जे आम सुन्नतिकरण कारण प्रभु आम पृथक कर परी नह आने किंतु प्रेरित पाउल आउ से जो भूल चिंताधारा को से संशोधन करलसी तार दुई अध्याय एगार पदर कहले आहरी तुम्हें शारीरिक स्वभाव त्याग कर ख्रीष्टों सहित संयुक्त हो अहस्तकृत सुन्नत अर्थात ख्रीष्टीय सुन्नत सुन्नत प्राप्त हुई अच्छा जो मैंने ख्रीष्ट विश्वासी अणजीहुदी से मानू कदि आम पापरु मन परिवर्तन करिछु आमने
प्रभु जीशुंक ठारे विश्वास करिछु ताहले आमे ख्रीष्टीय सुन्नतरे सुन्नत प्राप्त होई अछु। कारण 28 एवं 29 पदरे प्रेरित पालो कहिले कारण बाहरे जे जिहुदी से जिहुदी नुहे जेवा बाहरर शरीर रे जे सुन्नत ताहा सुन्नत नुहे किंतु अंतर रे जे जिहुदी से जिहुदी पुणी आक्षरिक भावरे नुहे मात्र आत्मिक भावरे हृदय रे जे सुन्नत ताहा प्रकृत सुन्नत एपरि लोक मनुष्य मानक ठारु प्रशंसा प्राप्त हुए नहीं किंतु ईश्वरक ठारु प्राप्त हुए। जिहुदी माने हुए तो शारीरिक भावरे सुन्नत प्राप्त शारीरिक भावरे हुए तो सेमाने भावुचंती सेमाने ईश्वरंकर मनोनीत एवं ईश्वरक व्यवस्था सेमानक हातरे अछि। आउ गोटे भाषा जो कहिबा पई गले आपण हुए तो भावुचंती जे आपण ख्रीष्टीय परिवार भुक्त आपण हुए तो भावुचंती जे आपण गिरजा जाउचंती उपासना करुचंती आपण हातरे बाइबल अछि बाइबल अध्ययन करुचंती किंतु ताहा बाह्यिक ताहा शारीरिक आत्मिक नुहे। जे आत्मिक भाव रे सुन्नत जार हृदय सुन्नति हेछि जे हृदय रे पृथकीकृत हेछि आउ जे जीशुख्रीष्ट को विश्वास करी तांकर रक्त रे धौत हेछि आउ से लोक ईश्वरक ठारु प्रशंसा प्राप्त हुए मनुष्य मानक ठारु नुहे। आउ ईश्वर से प्रकार लोक मानंकु आज से बाछंती कुहंती आसे कुहंती अन्य मानंकर विचार कर ना कारण समस्ते आम विचारित हवा आउ जो सबू विषय नहीं कि आपण मैंने गर्व करुँचगुड़ी आउ गर्व कर विषय नुहे कारण से सबू बाह्यिक विषय गुड़िक किंतु ईश्वर कर्म एवं मर्मर परीक्षक अटंती। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करतु आसतु आम प्रार्थना करवा। प्रेमिक पिता आम धन्यवाद दौच प्रभु तुम वाक्य निमंत आज वाक्य द्वारा प्रभु तुम्हें अनेक कथा कहीच प्रभु तुम्हें दया कर सेमानंकर अंतर्चक्षु को तुम्हें उन्मुक्त कर जेपरी सेमाने निजर त्रुटि को देखिबा को पारिबे एवं मन फेरणर जो आवश्यकता को अनुभव करिबे एवं जानिबे प्रभु जे केवल तुम्हें ही एकमात्र पथ सत्य और जीवन स्वर्ग को जीवापाई ईश्वर निकट में मिलित होवा निमंते तुम्हें ही आमानक मध्यरे एक माध्यम। प्रभु आमने धन्यवाद दौचु प्रभु तुम्हें आज मध्य प्रत्येक को अपेक्षा करिछ जो माने मन फेरण करी प्रभु तुम्हारे विश्वास स्थापन करती से माने आउ विनष्ट हेबे नाही से माने पापरे विनष्ट हेबे नाही किंतु धार्मिकतार वस्त्र वस्त्रान्वित हेबे एवं से माने स्वर्ग प्राप्ति हेबे अनंत जीवन अधिकारी हेबे। प्रभु प्रत्येक अंतर आज कार्य कर जेपरि एही सुसमाचारटी से मानकर जीवन रे कार्यकारी हेबो से माने मन फेरण करी प्रभु तुम निकट को आसिबे एवं प्रभु तुम ठारे लागि रहिबे। धन्यवाद प्रशंसा महिमा केवल तुमको दे जीशुंक नाम मागिलु आमेन। ईश्वर समस्त को आशीर्वाद करूँ। धन्यवाद।